वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि BBSPU जौनपुर, सभी छात्रों के लिए दो बड़ी अपडेट्स है। यहाँ पर आपके BEd फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट की बात करेंगे, इसके अलावा बैक पेपर इंप्रूवमेंट परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। वीडियो की शुरुआत हो, नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस, साथ ही टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। पहले हम बात करेंगे बैक पेपर परीक्षा की, फिर हम बात करेंगे एंड में BEd रिजल्ट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप सभी छात्रों को बताना चाहूँगा कि आपका कोर्स कोई भी हो, BA BSc BCom का या फिर MSc MCom का, बैक पेपर इम्प्रूवमेंट जैसा कि चैनल आपको लगातार बताता चला आ रहा है, जो लोग पूछ रहे हैं कि सर कब तक आ जाएगा, मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस नहीं हो पाए हैं, यानी कि रिजल्ट तो आ ही गए हैं लेकिन सो बहुत से छात्रों का जो है थोड़ी सी दिक्कतों का सामना कर रही है यूनिवर्सिटी, तो उनका रिजल्ट भी जारी करते हुए, जब अधिकांश छात्रों का रिजल्ट जारी हो जाएगा तो आप लोगों का बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, जब वो फॉर्म आ जाएगा फिर परीक्षा तिथि बहुत नज़दीक हो जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। अब रिजल्ट कैसे देखेंगे वो वेबसाइट देखिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं BEd रिजल्ट को लेकर के। किसी भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको गूगल में आना और वहाँ पर लिखना है boardsexam.com और इसको सर्च कर लेना है आपको। और इसके बाद जो यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा यूनिवर्सिटी रिजल्ट चेक, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी का सारा डेटा ओपन होगा। और इसके बाद सबसे नीचे चले आएंगे आप और यहाँ पर दिया गया है यूनिवर्सिटी नेम एक तरफ और एक तरफ दिया गया है चेक हियर। तो यहाँ पर चेक हियर पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है, BBSPU का रिजल्ट अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी लिखा होगा और उसके आगे आपको चेक हियर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा और फिर ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट प्रमोटेड 19-20 इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपका एनुअल का कोर्स है तो एनुअल वाले पर, और सेमेस्टर का सेमेस्टर पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख लेना है। तो यहाँ पर BEd रिजल्ट अगर 2022 की बात करें, फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों की हम बात करेंगे, तो देखिए आप सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि सेकंड सेमेस्टर जो है वो चाहे BA का हो या फिर कोई भी कोर्स का हो, वो आजमगढ़ से अलग हुआ, यानी दो ज़िले कम हो गए। लेकिन अभी जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, जैसा चैनल आपको सबसे पहले ये बताया था कि उसका एग्ज़ाम आपकी यूनिवर्सिटी BBSPU कराएगी, यानी कि इसमें चारों ज़िले लगभग शामिल हैं। तो देखिए इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, कापियाँ ज़्यादा होंगी और उनको जाँचा जाएगा, फिर इसके बाद आपके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इसमें आपके जो प्रायोगिक परीक्षाएं उनका नंबर्स भी कुछ कॉलेज लेट भेजते हैं, तो सब कुछ करने के बाद आपके रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। वीडियो समझ आया, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहे नया इन्फो चैनल साथ।